वल्लाता मर जाएगा, फिर तो जब मरेगा आराम से मरेगा, हमें भरोसा आएगा। हरिओम 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 आवाज गुरु जी ऐसी लग रही है। हरिओम सुने चल वो आ गए। अरे गुरुदेव गुरुदात्रा यशस्वी हो कल्याण हो। गुरुदेव तू लौट कैसे आए? आप तीर्थों पे गए हुए थे तो क्या तुम ये चाह रहे थे लौट के नहीं आए? तो वहां पे गुरुदेव कितनी भगदड़ नहीं मची, भगदड़ मची थी पहले तो तीर्थ नहीं मिली। तो होती है। अच्छा हमारा अलग अखाड़ा लगा था। अच्छा हम लोग अपने अलग थे तीर्थों से, अपना खाना पीना अपने साथ विराजो शिष्य विराजो। हम कुछ और सोच रहे हैं गुरुदेव। क्या सोच रहे थे? अच्छा और आप मुझे ये बताओ कि आसन की व्यवस्था कैसी तुमने रखी? अरे गुरुदेव तुम चले गए तो सवेरे ही जगत आई, सवेरे जग के और पूरी साफ सफाई एकदम चमाचम आसन, और कोई अतिथि आ जाता है तो बिना तो पहनाएंगे जल्दी जल्दी टिकट बनाएंगे और बिना खाता है और ठाकुर जी तो रोज नवाते हैं डेली और रोज नवा आता है। अच्छा हाँ बहुत ही मेहनत करी है तुमने, ऐसा लगा तुम देखने लगे गए थे वो तो पहले ठाकुर जी को नवा देते तुम ना देते। अरे ठाकुर जी को नवा देने का नवाते हो हम नवाते हैं चमक आ जाए ठाकुर जी। अरे दूर तो पहले खुद नहाता था कि ठाकुर जी को नहलवाता था? अरे हम दो ही नहा लेते हैं संगे संगे डूब के लेके। अच्छा आश्रम पे मैं देख रहा हूँ, देखो आगे ये कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है देखो। अरे गुरुदेव जाकर कहा है कि आज झाड़ू लगाओ, पति है बहुत है रहा हूँ आश्रम में पेड़ बहुत है तो झाड़ू लगा के सुनते है बाबू पति डर है या तो हर पत्ते पत्ता बिगड़ जाता है काशु। अच्छा ऐसा करो हमारे ठाकुर जी को लाओ। रहे ठाकुर जी तो व्यवस्थित करे पूजा करेंगे और हमें ऐसा नत्ता है यार पहले तुम रोटी फोटी खा रहे होते। नहीं 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 अरे गुरुदेव हमारा बड़ी बढ़िया तरह का दाल बना दिए और टिक्कर बना लो पहले खा लो फिर उनका पाए दाल देंगे बाद में देख लो ठाकुर जी धरे प्रिय शिष्य पहले ठाकुर जी को लाओ। ठाकुर जी पहले ही हैं हाँ तो पहले गुरुदेव तुम हार गए जब पाए दाल जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। हाँ तो गुरुदेव गुरु का ठाकुर जी लेके मान है अब तो करने पर गुरु की आज्ञा गुरुदेव ले आ जाए। दूर रहे तो पीछे ठाकुर जी दिखा रहे बोलते ले गुरुदेव ठाकुर जी देखो कैसे चमक रहे हैं। हरिओम तत्सतु सुतीक्षण ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी थाली में तो धरे चमक रहे हैं। अरे ध्रुव तो मैं पूछ रहा हूँ ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे गुरुदेव ठाकुर जी थाली में धरे हिले तो देखो ये ठाकुर जी हैं। ये तो ठाकुर जी ये जामुन के फलते हैं और कह रहा है ठाकुर जी है। लाल गुरुदेव हमारे कहा करो बताओ फुल फुल चंदन फुल फुल पानी फुल फुल चंदन फुल फुल पानी और सारे ग्राम सड़ गए तो हटा लिया रोज उन्हें नवाता है रोज रगड़ता है तो सड़ गया नवाए नवा तो नहीं चाहिए रोज नवाज प्रिय शिष्य से रख आश्रम में रख दो और मेरा छोटा ले आओ मेरे पास। ओ छोटा अब आप सिद्ध बता कि ठाकुर जी को कहाँ रखा है? गुरुदेव हमारा तो ठाकुर जी जय में रहता है धनचावा है ना बताओ कहाँ रहता है जे जैसे क्या रहता है तैसे जे मैं फिर पूछ रहा हूँ अंत में कि ठाकुर जी कहाँ है? मैं फिर बता रहा हूँ गुरुदेव ठाकुर जी थाली में ही है। ठाकुर जी कहाँ बता रहे हैं? ओहो अब इस आश्रम पे एक
मिनट भी नहीं रुकेगा और यहाँ से चला जा। ऐसी स्कीम की जरूरत नहीं है जो हमारे आश्रम की परंपरा को बिगाड़ रहा हो। भाग जा यहाँ से। तो ठीक है गुंडे, तुम आज पत्थर के ये ठाकुर जी मानते हो ना, बिना के पीछे आज हम तक खोए गए। चलो धोते रुमाल लो, खोए गए बिना के पीछे। उधर ने प्रिय शिष्य और सुदीक्षा को आश्रम से निकालना है, वे बुद्धि के पीछे जाएगा सी। ज्यादा नहीं बोलना है, निकल जाए आश्रम से। ठीक है, हमें जाए रहे और आश्रम से निकल रहे। जब तक ठाकुर जी को नहीं लिया था तब तक इस आश्रम आने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम जाए रहे यार और फिर भी क्या करके जा रहे हैं। देख रहे हो गुरुदेव, अगर तुम लौट आ लो हम चले जाएंगे। चले यहाँ से। तो ठीक है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि ठीक ठीक पत्थर का ठाकुर जी के पीछे आज हमें आश्रम से निकाला जा रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा अखिल कोट नायक उनको लेकर के और आश्रम में ले मैं जा रहा हूँ। जब तुम परमात्मा को लेकर के सपने वान भरो हाँ सज्जनो, ये सुदीक्षण महाराज कोई साधारण शिष्य नहीं है अगस्त्य जी का, ये तो महान ही संत है। मनसा वाचा करुणा से उन अखिल कोट ब्रह्मांड नायक की चरणों में इसका हमेशा मन रहता है, ऐसा ये भगवान का प्रेम शिष्य है। प्रभु महादेव श्रवण सुनि छत। मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के साथ वन में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अगर वन में घूम रहे हैं तो हमको अवश्य मिलेंगे, सती छत हमको अवश्य मिलेंगे। Well, you're gonna go down.